आलबिल्लामन शैख़ान बसमान रहीम अलबीत नाजिरन मोहतरम मैं आपके सामने मुसलसल रूहानी बीमारियों कुरानी इलाज इस से गुफ्तगू कर रहा हूँ और आज जिस मौजू के तहत गुफ्तु करनी है उस मौजू का नाम जुल्म है और जुल्म तीन तरह से इंसान अपने आप पर जुल्म करता है खुदा और रसूल पर जुल्म करता है और लोगों पर जुल्म करता है अपने आप पर भी बहुत तरह से लोग जुल्म करते हैं और जुल्म की तारीफ़ अगर ये देखी जाए कि जो चीज़ जहाँ रखा जाना चाहिए उस जगह पर ना रखा जाए ये म है मिसाल के तौर पर टोपी को अगर क़दमों में रखा जाए ये म है जूती को सर पर रखा जाए ये भी जुल्म है। जो चीज़ जहाँ रखी जानी चाहिए अगर वहाँ ना रखा जाए तो ये म है और जुल्म कभी कभी अदल के मुकाबले में है अदल यानी हर इंसान और याद रहे अदल और मसावात दोनों में फ़र्क है मसावात में ये है कि हर इंसान को बराबर देखा जाए मगर अदल में यह है कि जो जितना लायक है उतना दिया जाए इसे अदल कहते हैं मसावात में सबको बराबर तकसीम कर दिया जाता है जुल्म किसी भी चीज़ को उसकी मकाम उसकी जगह और उसकी मंजिलत जो है उससे नीचे कर दिया जाए घटा दिया जाए यह जुल्म है अब ज़रा समझने की ज़रूरत है मिंबर पे उन लोगों को जगह देनी चाहिए कि जो पढ़े लिखे हों मगर जब जाहिल को बैठाया जाएगा तो आप मुझे बताइए ये इंसाफ का काम है या जुल्म हो रहा है और जब जाहिल बैठेगा बेनमाज़ी बैठेगा दीन से दूर हुब्बे दुनिया और दुनिया की मोहब्बत रखने वाला जब बैठेगा तो वो आपको देगा क्या वो दुनिया ही देगा वो आखरत देगा नहीं बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे कि जहाँ सलाहियत अहम थी वहाँ सलाहियत के बजाय सिर्फ उन्होंने क्या किया ऐसे लोगों को ठीकेदार बना दिया ज़िम्मेदार बना दिया जो अहल नहीं थे अख़ इस्लाम इस बात का गवाह है कि तारीख़ इस्लाम में भी यही हुआ अहलियत अली अबी तालिब के पास थी मगर जब उन्हें यह हक़ नहीं दिया गया तो नुकसान आज तक देखने को मिल रहा है कि अब मुसलमान अलग अलग फ़िरकों में बटा हुआ नज़र आ रहा है और हक़ तक पहुंच नहीं पा रहा है सच और सच्चाई तक उसकी रसाई नहीं हो पा रही है जुल्म इंसान जो करता है वो जहात की बुनियाद पर जुल्म इंसान लालच की बुनियाद पर करता है जुल्म इंसान खौफ की बुनियाद पर करता है उसको ये खौफ है कि कहीं मेरी पास जो चीज़ें हैं वो छिन ना जाए इसलिए वो दूसरों पर जुल्म करता है बाज़ अवतः लालच लालच मेरे पास ये है मगर मुझे ये भी चाहिए अब चाहे जो भी रास्ता हो उसको मारना पड़े उसे हटाना पड़े अपने रास्ते से हटाना पड़े बस उसे लूटना है और वो फिर जुल्म की बुनियाद पर उसे मार भी देता है जुल्म अगर इंसान अपने आप पे कर रहा है तो ये एक अलग मसला है मगर जब समाज पर कौम पर लोगों पर कर रहा है तो वहाँ खामोश नहीं रहना चाहिए क्यों इसलिए कि लोगों पर जुल्म करना ये अच्छी बात नहीं अच्छा मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ जुल्म की बात जब भी होती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम जुल्म के मुकाबले में खड़े होने की बात करता है हर दुनिया का जो भी समझदार दीन रखने वाले लोग हैं जितने भी लोग हैं सब के यहाँ ये है कि गलत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ, जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ इसीलिए जालिम की होशियारी ये होती है कि वो हमेशा मजहब के रंग में आना चाहता है हमेशा दीन के नाम पर वो आना चाहता है मगर जालिम का कोई मज़हब नहीं होता बहुत से लोग आज तक यजीद को मुसलमान साबित करना चाह रहे हैं जब वो जालिम है तो फिर वो मुसलमान नहीं है और अगर मुसलमान है तो फिर उसे नहीं करना चाहिए ये इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जालिम का कोई मज़हब नहीं उसी तरह मजलूम का भी इसलिए साथ कि ये अपने मज़हब का है ये अपने ख़ानदान का है या अपने रिश्तेदार है इसलिए मैं उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ नहीं मज़लूम कोई भी हो जो भी दबा कुचला हो उसके सपोर्ट में खड़ा होना ये इस्लाम बताता है ये हमारा कुरान बताता है जो भी दबे कुचले लोग हैं उनके साथ खड़े होने की दावत ये इस्लाम हमें देता है जुल्म से बात वाजे हो गई कि जुल्म किसी भी शय को उस जगह पर रखा जाए जो उसका मकाम ना हो आज हमारे माशरे में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं जो दीनदार हैं जो कानून इलाही को जानते हैं उनसे दीन पूछा नहीं जाता अब आजकल हमारे माशरे में हर आदमी मर्जा के मुकाबले में मरजा बना हुआ है मुश्तिद के मुकाबले में ख़ुद को मुश्तद दो चार किताब पढ़ के हजारों किताब को समझने वालों के मुकाबले में ख़ुद को सबसे ज़्यादा दीनदार सबसे ज़्यादा समझदार और अलग अलग अपना अपना एक मजहबी हिसाब किताब खोल कर बैठे हुए हैं ऐसे लोग बहुत से लोग मिल जाएंगे ये भी एक जुल्म है कि जो जिसका हक है उसको वही अंजाम दें और अगर उसके अलावा कोई और अंजाम देगा तो जाहिल करेगा क्या जाहिल सिवाए ज हालत को कुछ और आम नहीं करेगा जुल्म का नुकसान क्या है उसके असरात क्या है जुल्म का नुकसान तारीख़ बशरियत इस बात की गवाह है कि जितने भी समाजी हलाकत यानी जितनी भी कौम हलाक हुई हैं उनमें असल वजह उनका ता वो जो दूसरों पर म करते थे उसकी वजह से वो हलाक उनकी नाबूदी उनका मिटना इस वजह से कि वो हमेशा जुल्म करते थे और जुल्म जब किसी पे भी इंसान करता है तो जुल्म का जवाब ख़ुद खुदा इसी दुनिया में दे देता है जालिम को इसी दुनिया में उसके जुल्म का उसके जुल्म की सज़ा मिल जाती है जुल्म के असरात ये हैं कि फिर वो हमेशा अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए लोगों के दरमियान हमेशा इख्तिला दो गिरोहों के दरमिया दो कौमों के दरमियान दो नस्लों के दरमियान इस तरह से वो लड़ाई करा देता है कि वो लोग आपस में लड़ते रहें और उसका बैठे बैठाए फ़ायदा उसको हो जो ऊपर इन दोनों को लड़ा रहा है यहाँ पे हमें गौर करने की ज़रूरत है कि हम लोग उन चीज़ों पर बहस करते हैं जो असल मसला ही नहीं है और जिन मुद्दों पे हमें बात करनी चाहिए उस पे हम गौर और फिक्र भी नहीं करते उसकी तरफ हम तवज्जो भी नहीं करते जुल्म को अगर ख़त्म करना है तो जुल्म को ख़त्म करने का पहला रास्ता खुद से शुरू करें ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो मस्जिद में बहुत बड़े नमाजी हैं बहुत ज़्यादा रोज़ा रखने वाले और बहुत अच्छी अच्छी बात करने वाले मैं ही मौलाना हूँ मैं बहुत अच्छी बातें आपके सामने कर रहा हूँ मगर आपको क्या मालूम मैं अपनी बीवी पर कितना जुल्म करता हूँ अपने बच्चों पर कितना जुल्म करता हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अच्छा यह भी याद रहे फ़िर किसी एक मुल्क के बादशाह का नाम नाम नहीं है बल्कि जो लोगों पर जुल्म करे उसे फ़िरन कहा जाता है अब हो सकता है कि मेरी हुकूमत मेरी फैमिली पर है किसी की हुकूमत महल्ले में है किसी की हुकूमत गांव में है किसी के मुल्क और किसी की पूरी दुनिया पर तो अलग अलग एतबार से जुल्म करने वाले लोग भी हैं ऐसे बहुत से लोग घरों में मिल जाएंगे इसीलिए वो वाक़ याद आता है कि रसूल खुदा जिनकी नमाज जनाजा भी पढ़ा रहे हैं हौसल भी दे रहे हैं ख़ुद शिरकत भी कर रहे हैं दफ्न के लिए उतरे भी हैं मगर उसके बाद जब वापस हुए तो कहा देखो याद करो इसके लिए फिशार क़ब्र बहुत सख्त है क्यों इसलिए कि इसके ताल्लुक बाहर बहुत अच्छे थे मगर इसकी फैमिली से इसके ताल्लुक अच्छे नहीं थे ये भी एक जुल्म है बहुत से लोग ऐसे हैं कि जैसे ही घर पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई खौफनाक इंसान आ गया घर वाले डर रहे हैं बच्चे अब बोल नहीं सकते हंस नहीं सकते बीवी अपनी बात रख नहीं सकती और बहुत सी बीवियाँ ऐसी हैं जो अपने शोहर पर म करती हैं उनके हकूक़ को मार देती हैं उनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं उसे अंजाम नहीं देती बच्चे जुल्म कर रहे हैं अपने वालदान पर जो हक उनका है उसे दे नहीं रहे हैं माँ बाप अपने बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं जो उन्हें तालीम देनी चाहिए थी वो तालीम नहीं दे रहे हैं अब जुल्म से बचने का रास्ता क्या है जुल्म से बचने का एक रास्ता है वो सबसे अहम रास्ता ये है ले नास व बिलकस्त तमाम नबियों के भेजने का भी मकसद यही था कि ये पूरी दुनिया में इंसाफ को कायम करें हम सबसे पहले जुल्म को ख़त्म करने के लिए अपने घर से अपनी ज़िंदगी में पहले शुरू करें अपने घर से शुरुआत करें जब हम घर में इंसाफ वाले हो जाएं, अदल करने वाले हो जाएं, और जुल्म से दूरी अख्तियार करने वाले हो जाएं, तो यकीन जानिए फिर हमारा घर हमारे मोहल्ले में भी असर रखेगा और समाज में भी हमारी पहचान जालिम के ख़िलाफ़ जुल्म ना करने की वजह से बनेगी और अदल करने की वजह से एक माशरे में मुसबत चेहरा हमारा पहुँचेगा ये एक बहुत अहम जिम्मेदारी है जैसा कि इमाम ने भी फरमाया जो इमाम की वसीयत है कन िम खसम व लिलमूम ओना जो भी मज़लूम है उसके मददगार हो जाओ और जो ज़ालिम है उसके लिए सख्त रहो अब ज़ालिम खुद अपने खुद हो तो अपने लिए भी सख्ती करो अपने मोहल्ले वाले के लिए जो भी जालिम है इसलिए कि जालिम का कोई मजहब नहीं होता कोई दीन नहीं होता आखिर में खुदा से दुआ खुदाया हमें जुल्म जैसी रूहानी बीमारी से हमेशा दूर रख आमीन या रबल आलमीन